समझ क्यों नहीं रहे सोया? मेरी मेरी सभा के लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो तुम्हारे लिए है। क्यों मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है शारिक। आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जितना आपसे दूर भागने की कोशिश करती हूँ आप उतनी शिद्दत से मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा तो फिर कभी कहा क्यों नहीं? I'm sorry, मैं आपको नहीं, I mean, मेरा ही मतलब नहीं था। झूठ ना बोल, आज मुझसे झूठ ना बोल, आज मैं सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहता। ये सच ही है? नहीं, सच वो है जो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी आंखें ये कह रही हैं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नहीं है, सच नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मैंने आपके बारे में कभी सोचा। एक पल के लिए भी नहीं? नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। मैं कौन होती हूँ आपके बारे में सोचने वाली? मेरा पर कोई हक नहीं है। बीवी नहीं हूं मैं आपकी। तो बन जाओ ना। शादी कर लो मुझसे, फिर चाहे सारी जिंदगी कहती रहे कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सोया, नहीं रह सकता। कैसी हो? ठीक। मुझे दिखाओ। आइए। हाँ जी, कैसे हो? मुझे तुमसे आप पहले कहें। नहीं, पहले पहले तुम बोलो। वो नहीं, इट्स ओके, आप बोले। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? मैम, वो लॉन्ज में बैठे हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। भाजी, आप क्या कर रहे हैं? ये हाथ मुझसे माफी मांगने के लिए नहीं है, मेरे सर पे हाथ रखने के लिए।
नहीं बेटा, मैं जितनी भी माफी मांगू वो कम है। बहुत जुल्म किया मेरे तुम पर। ये जी, मेरा पोता मेरे अजमेर का बेटा, मेरा पोता, मेरे खानदान का वारिस, चलो बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब मैं तुमको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। सच्चाई कौन है ये? मैम ये जोया मैम के रिश्तेदार हैं। पागल हो गए तुम? जोया का कोई रिश्तेदार नहीं है, अकेली है वो। पता नहीं कौन है जिसको तुम चाय पिला रहे हो। सुने रखे इसे, ये आपके नाना का घर नहीं है, रखे इसे। मैंने कहा रखे इसे नीचे। मैम क्या कर रही हैं आप? दूर रह के बात कर, दूर रहे मुझसे। मैम ये जोया मैम के घर वाले हैं, मुझे वापस ले जाने के लिए हैं। मैम अगर सामान पैक कर रही हैं, ये बैठे उनका वेट कर रहे हैं। अच्छा तो आप जोया को लेने आए? एक बात कान खोलकर सुन ले, जोया कहीं नहीं जाएगी। क्या देख रहे हैं इस तरह? डरती वरती नहीं हूं मैं। मैंने कहा ना जोया कहीं नहीं जाएगी, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी जोया को। समझे आप? नहीं लेके जा सकते आप जोया को, कह दिया मैंने। मैं देखती हूँ कौन लेके जाता है जोया को, कहीं नहीं जाएगी वो। सच्चा जाओ जाए प्लीज, प्लीज मत जाओ। मुझे जाना होगा शारिक, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरा यहाँ रुकना पहले ही ठीक नहीं था, और अब तो यहाँ रुकने का कोई जवाब ही नहीं बनता। तुम्हारा घर है सोया, तुम्हारा घर है। नहीं, मेरा घर नहीं है शारिक, ये बात समझ चुकी हूँ। अब आपको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर आपको कहाँ याद रहेगा कि कोई जोया नामी लड़की आपकी जिंदगी में आई थी। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकूं। ना तेरे बाजू लगी।
घर वाले आ गए, लेकिन आपने तो कहा था कि आपका कोई घर नहीं है। मैम, आपके घर वाले बाहर वेट कर रहे हैं। जोया, प्लीज जोया मत जाएं, प्लीज। अगर आप चली जाएंगी तो शारिक, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम शारिक को तंग मत करना और अपना ख्याल रखना। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अंकल, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आओ बेटा। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी तो कि जाने प्यार मेरा मैं करा चली गई। शारिक, जोया चली गई। आपने उसे जाने दिया, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बोले जोया कैसे जा सकती है? क्यों नहीं रोका आपने उसे? मैं ही रोकती हूँ उसे। सबक जोया, क्या कर रही हो? उसे रोकना है उसे। वो चली गई है। नहीं, वो कैसे जा सकती है? जोया, जोया रुको, नहीं जा सकती। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जोया, संभालो अपने आप को। रुक जाओ। सबक जोया, छोड़ मुझे। तुम नहीं जा सकती। छोड़ो मुझे। क्या हुआ करीम मामू को? आपने मुझे बताया नहीं। क्या बताती बेटा, खामखा परेशान हो जाते तुम। पहले ही सभा की वजह से तुम टेंशन में रहते हो। अब कैसी तबीयत है उनकी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर्स ने तो इसी जी का कहा है, अल्लाह से दुआ है कोई परेशानी की बात ना हो। तुम सभा को कुछ मत बताना। वैसे वो खुद कैसी है? वो ठीक नहीं है माँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंट्रोल करूं उसे। मुझे देख के हाइपर हो जाती है वो। यकीन करें अभी भी उसको नींद की मेडिसिन देके आया हूँ ताकि वो सो जाए। I can't control her. मैं तो सोच रहा था आप लोगों को यहाँ बुला लूँ, लेकिन खैर। अच्छा सुने, मामू को ना बताइएगा, और परेशान हो जाएंगे। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं नफीसा और करीम से कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि मैं कोशिश करती हूँ वहाँ आने की। दाफिस। अल्लाह हाफिज़ बेटा। मियां बीवी ना, तुम दोनों का आपस में मुकाबला शुरू हो गया। एक बिस्तर से उठता है
और दूसरा गिर जाता है। अब रहमत मियां कल तक तो अच्छे भले थे, हाँ जी बिस्तर पे पड़े हुए। अम्मा इन्हें टेंशन ने बीमार किया है, मैंने अच्छी तरह जानती हूँ कि अंदर ही अंदर घुल रहे हैं और मुंह से कुछ नहीं कह रहे। सोया की परेशानी इन्हें खाई जा रही है। ले, थोड़ा सा खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इसी तरह उसकी जुदाई में आपने यूं घुलना है और अपने आप को बीमार रखना है तो क्यों नहीं जाके उसे ढूंढ लेते? कहां ढूंढूंगा उसे? सोया मेरी बच्ची देंगी। तेरी जुदाई में बीमार हो गए। बेटा माफ कर दे, बेटा मुझे नहीं मिल रहे। अरे दाद, अरे मेरा बेटा बस करें भाई साहब, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारी बेटी हमारे घर आई, पर देखें इस घर की खुशियां भी साथ लाई। ये देखें, ये आपका नवासा और मेरा पोता। सर खाना लग गया। जोया मैम को भी बुला लो। सर वो तो जा चुकी हैं। खाना नहीं खाऊंगा, चाय बना दो। राइट सर। बस ऐसे ही हूँ, पुरानी बातें याद आ गई। तुम्हारे और अजमीर के साथ हमने बहुत ज्यादतियां की, अपनी अना और गरूर में हम इतने अंधे हो गए थे कि हमें अपनी औलाद की तकलीफ नजर ही नहीं आई। सोचा ही नहीं
कि तुम लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी। अब इन बातों को दोहराने का क्या फायदा है? जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। कहाँ कहाँ भटकी होगी तुम, कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की होंगी तुमने। किस्मत ने बहुत अच्छे इंसान से मिलवा दिया था मुझे, भी जो मेरी हर तकलीफ हर मुश्किल में मेरे साथ साये की तरह खड़ा था। उससे मुझे एहसास होने ही नहीं दिया कि मैं बिल्कुल अकेली हूं। अल्लाह भला करे उस इंसान का, उसकी हर चाहत हर ख्वाहिश पूरी करे मेरे अल्लाह। इंसान की हर चाहत कहाँ पूरी होती है, माँ की दुआ है, देखना जरूर पूरी होगी। अच्छा अंदर चलो, समीर भी उठ गया होगा, आजो। बस करो ना, हटो तुसी। मुझे और रोने दे प्लीज। अच्छा अच्छा मेरी मेरी बात, मेरी बात तो सुन लो ना। अच्छा चलो मैं मेरी बात सुन। देखो बेटा, अरे जोया हमेशा के लिए थोड़ी आई थी यहाँ, एक ना एक दिन तो उसने जाना ही था। लेकिन मुझे उनकी शादी करवानी थी। जोया की शादी? किससे करवानी थी जोया की शादी? शारिक से और किससे? शारिक से? मगर बेटा शारिक तो तुम्हारा शौहर है। जबरदस्ती थमाया आप लोगों ने, मैंने तो नहीं कहा था, मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। देखे पुप्पो, मैंने आपको कह दिया, मेरे लिए वो किसी काम की नहीं है। पुप्पो प्लीज आप उनकी शादी जोया से करवा दें। लेकिन लेकिन अब तो जोया चली गई, तो शारिक की शादी अब मैं किससे करवाऊंगी? आप बताएं ना किससे करवाऊं। पुप्पो आप बताएं ना, कुछ तो बोले। मुझे सोचना पड़ेगा कुछ। जाओ ले आओ उसे। कैसे? से शादी कर लो। ये वही नेमत भाई है ना जिन्होंने इस बच्चे को अजमीर की औलाद मानने से इनकार किया था। अब भला कौन सा अजमीर उनके ख्वाब में आके सच्चाई बता के गया है? दाल में कुछ काला है। ETV सारे रंग हमारे।